हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट्स चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का। पिछली वीडियो में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और इस प्रोसेस के दौरान हमें क्या क्या प्राप्त होता है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हमने इसको डिटेल में पढ़ा है, तो अब हम कुछ ऐसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ केमिकल चेंजेस जो हम अपनी लाइफ में उसको यूज करते हैं चीजों को प्रिवेंट करने में, रोकथाम करने में, या जिसका बहुत वाइडली यूज किया जाता है। वो दो प्रोसेस हैं, पहला है गैल्वेनाइजेशन और दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का यूज हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि हम लोहे से बनी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या ये कहा जाए कि हमारे सराउंडिंग में मैक्सिमम चीजें जो हमें लॉन्ग लास्टिंग चलानी है सब लोहे से ही बनी होती है। लोहे से क्या क्या बना होता है, लोहे से ब्रिज बने होते हैं, सड़कें बनी होती हैं, शिप बने होते हैं, कार बनी होती है, ट्रक बनी होती हैं, घर में जो हम आर्टिकल्स यूज करते हैं वो बने होते हैं, हमारा फैन है, टेबल है, चेयर है, दरवाजे हैं, खिड़की है, हमारे घर की रेलिंग है, सीढ़ियों पर रेलिंग है, यानी लोहे का इस्तेमाल हमारे चारों ओर और हमारे घर में भी बहुत किया जाता है। घर बनता है तो लोहे की सरियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेंटर गिराया जाता है ऊपर छत पे, जो छत बनती है वो लेंटर से बनती है जिसमें लोहे की सरिया होती है। तो यानी कि हम लोहे को अगर प्रिवेंट करेंगे तो चीजों को हम बहुत लंबे समय तक मजबूत रख पाएंगे। तो इसके लिए एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हम लोहे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और वो जो प्रोसेस है उसको ही गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रस्ट जो है, रस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, जंग लगना। तो जंग लगती कैसे है, जंग लगने का क्या प्रोसेस है कि जो लोहा होता है वो जब उसको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन कहां से मिलती है, एयर से, और पानी में अगर वो भीग गया है तो उस पर जंग लग जाती है। इसको अगर फॉर्मूले से समझाऊं आपको तो मैं कहूंगी पहले हम लिखेंगे आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर, तो इज इक्वल टू जो एरो लगा के जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो ये हमारा क्या बना, आयरन ऑक्साइड बन गया। आयरन ऑक्साइड मतलब जंग, साइंटिफिक नेम है जंग का आयरन ऑक्साइड। तो जब भी कोई चीज खुले में रहती है और बारिश में भीगती है और बारिश में भीगने के साथ साथ उसको हवा से ऑक्सीजन मिलती है तो उसमें जल्दी जंग लग जाती है। इसलिए आपने कई बार नोटिस करा होगा जो चीजें घर के बाहर खुले में रहती हैं, जैसे कि अगर आपने साइकिल भी बारिश में बाहर छोड़ दी है तो उसमें जंग लगने की जो क्रिया है वो फास्ट हो जाती है। इसीलिए जब भी बारिश आती है तो हम चीजों को उठा के रखते हैं, साइकिल है, बाइक है, कार है, इसको कवर करके रखते हैं कि ताकि ये बारिश में ना भीगे, क्योंकि अगर ये बारिश में भीगेगी तो जंग लग जाएगी। और जंग से फिर बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कूलर बाहर रखा हुआ है या हमारी साइकिल बाहर रखी है तो हम उस पर ग्रीसिंग कराते हैं कि भाई ये तो जंग लग रही है, साइकिल की चेन नहीं चढ़ रही, चेन पे भी थोड़ी थोड़ी जंग लग गई, तो हम क्या कराते हैं, ग्रीसिंग कराते हैं। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कूलर है, दरवाजे, तो उस पर हम पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होता है, हम उसको सेव कर रहे हैं रस्ट से, तो इस तरीके से हम उसको सेव कर लेते हैं रेगुलरली पेंट करके। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनको आप रेगुलरली पेंट नहीं कर सकते, जैसे कि मान लीजिए कार है, ट्रक है, जो बड़े आइटम है, शिप है, या कहीं पर ब्रिज बना हुआ है वहां पर जो लोहा इस्तेमाल हुआ है, या इसके अलावा और भी कई आइटम है, तो उनको हम यूज नहीं कर सकते, मतलब उनको डेली आप जाके पेंट नहीं कर सकते। घर के छोटे मोटे आइटम को तो आप पेंट कर सकते हैं, लेकिन जो आइटम कमर्शियल पर्पस से यूज किया जाता है उसको हम पेंट करके प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोहे के ऊपर एक कवरिंग चढ़ा देते हैं, क्रोमियम की या जिंक की, और उससे वो प्रोटेक्ट हो जाता है लोहा, उसके बाद उसे पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हम एक लेयर चढ़ाते हैं क्रोमियम की या जिंक की आयरन के ऊपर, इसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। दिस द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपके घर में जो पाइपलाइन होती है, जो पाइप जा रहे होते हैं टंकी में या उसमें, उसके ऊपर जो चमकीली लेयर होती है वो गैल्वेनाइजेशन के द्वारा चढ़ाई जाती है जिंक की। इससे क्या होता है कि जो रस्टिंग है, जो लोहे जंग लगने की जो क्रिया है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसकी रोकथाम हो जाती है। तो ये गैल्वेनाइजेशन हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, शिप पर यूज करते हैं, शिप क्योंकि ज्यादातर टाइम पानी में ही डूबा रहता है, तो उस पर हम गैल्वेनाइजेशन को यूज करते हैं जिससे कि शिप की आउटर सरफेस खराब नहीं होती पानी में भीगने की वजह से, क्योंकि शिप जल्दी खराब होता है, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है, और सॉल्टी वाटर जो है रस्ट की जो जंग लगने की जो क्रिया है उसको बहुत तेज कर देता है, रस्टिंग को बहुत फास्ट कर देता है। तो इसलिए
शिप पर लगाया जाता है और भी बहुत इस तरीके के आइटम जिनको कि हम एक बार बनाते हैं और फिर लॉन्ग लाइफ उसको यूज करते हैं, उन सबके ऊपर गैल्वनाइजेशन का प्रयोग किया जाता है रस्टिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसको कि हम यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा अपनी डेली लाइफ में, वो नेक्स्ट वन है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, सॉल्ट के बारे में हमने ये पढ़ा है कि सी वाटर से कैसे सॉल्ट प्राप्त करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, जैसे कि गैल्वनाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है। तो एक एक चीज हमने एग्जांपल डेली लाइफ में केमिकल प्रोसेस का देखा, एक चीज हम एक एग्जांपल फिजिकल प्रोसेस का देखेंगे। तो फिजिकल प्रोसेस का जो एग्जांपल है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो सॉल्ट हम लेते हैं समुद्र से वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है और उसके क्रिस्टल इतने छोटे होते हैं कि उनको साफ तौर पर देख नहीं सकते। इसलिए बड़े जो क्रिस्टल होते हैं वो प्योर होते हैं, और वो कैसे बनाए जाते हैं, वो सॉल्यूशन से बनाए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाया जाता है क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बीकर में पानी लेते हैं और इस पानी में हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको फिर पानी को हम गर्म करते हैं, और जब ये पानी उबलने लग जाता है तो हम इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करते हैं और स्टिर करते रहते हैं कंटिन्यूसली, उसे एक चम्मच से हिलाते रहते हैं जैसे चाय में चीनी मिलाते हैं, इस तरीके से कंटिन्यूसली स्टिर करते रहते हैं, और स्टिर करते हुए हम कंटिन्यूसली कॉपर सल्फेट का पाउडर डालते रहते हैं और स्टिर करते रहते हैं, और ऐसा लगातार हमें तब तक करना होता है जब तक कि उसमें और पाउडर ना घुले, टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, तब तक हम उसमें पाउडर डालते रहते हैं। जब वो स्टेज आ जाती है कि अब उसमें और पाउडर नहीं घोला जा सकता कॉपर सल्फेट का, तो अब हम इसे क्या करते हैं, हीट जो बॉयलर है उसे नीचे उतार लेते हैं और उसको फिर फिल्टर करते हैं सॉल्यूशन को। फिल्टर करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडे होने के बाद आपको क्रिस्टल दिखाई देंगे कॉपर सल्फेट के। अगर आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ना दिखाई दे तो थोड़ा और वेट करिए, कुछ देर बाद आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल साफ साफ दिखाई देंगे। इस तरीके से हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा बच्चों, इस चैप्टर में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। अब ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हैं, ये आप अपने चारों ओर आइडेंटिफाई करिए कि जिस तरीके का चेंजेस हो रहा है क्या वो फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है, क्योंकि आपको ये अब पता चल चुका है कि केमिकल चेंजेस क्या होता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होता है। इस चैप्टर में हमने दो चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ा कि चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है सबस्टेंस की वो देखी जाती है और कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है फिजिकल चेंजेस में, और ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। जबकि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, नया सबस्टेंस बनता है, और कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो प्योर स्टेट में प्राप्त किए जाते हैं उनके सॉल्यूशन से। उसके प्रोसेस मैंने बताया आपको, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन है, और कुछ प्रोसेस को हम केमिकल चेंजेस के कुछ प्रोसेस को अपने डेली लाइफ में चीजों को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे गैल्वनाइजेशन है जिससे कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन को कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारी डेली लाइफ की जहां भी हम लोहा इस्तेमाल करते हैं उससे हमें बहुत हेल्प होती है, अदरवाइज लोहे में बहुत जल्दी जंग लग जाती है और जो भी हम आइटम बनाएंगे बड़ा वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़े ब्रिज, बड़ी सड़क, बड़े मकान ये बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, फ्लैट्स, बिल्डिंग, लेकिन गैल्वनाइजेशन की हेल्प से हम लोहे को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, रस्टिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो अपने डेली जीवन में हम यूज करते हैं। कुछ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात करी, आप अपने चारों ओर ऑब्जर्व करिए कि क्या क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं और उनके बारे में स्टडी कीजिए। तो चैप्टर 6 आज हमने कंप्लीट कर लिया। टेक केयर चिल्ड्रन, गुड बाय।